एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित हरसला गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान ओंकार सिंह हैं। लगभग 6000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से गांव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। लगभग 2350 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 635 राशन कार्ड धारक हैं। साथ ही गांव में 20 विधवा पेंशन, 35 वृद्धा पेंशन व 4 विकलांग पेंशन लाभार्थी मौजूद हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 450 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 56 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 5 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 250 विद्युत पोल, 20 विद्युत ट्रांसफार्मर व 7 सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 8 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्कूल में शौचालय व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, इंटर कॉलेज, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं कुलदीप सिंह, प्रधान भाई, ग्राम पंचायत हरतला, विकास खंड असमोली, और जो हमारे ग्राम पंचायत को जो सरकार की तरफ से जो पैसा मुहैया हुआ है उसका हमने ठीक प्रकार से सदुपयोग किया है और आगे से भी करते रहेंगे और आशा करते हैं हमारी ग्राम पंचायत को सरकार की तरफ से जो पैसा है वो काफ़ी मिलता रहे और हम उसका सदुपयोग ग्राम पंचायत में अच्छे कार्यों में करते रहें। जैसे हमने अपने गाँव में सीसी टाइल्स का निर्माण किया है और सोलर लाइट और एक शौचालय जो हमने बनवाया है प्राथमिक विद्यालय सेकंड में, उसमें भी हमने काफ़ी कार्य किया है और उसी प्रकार से हमने उच्च प्राथमिक विद्यालय में सीसी टाइल्स का कार्य कराया है और उसमें एक शौचालय का निर्माण कराया था। और जैसे हमारे ग्राम पंचायत में कुछ नल की चबूतरे की जो समस्याएं थी उन्हें भी दूर कराया और आने वाले समय में जो भी समस्याएं होंगी ग्राम पंचायत की उन्हें दूर किया जाएगा और ये जो भी हमारी समस्याएं छोटी मोटी चल रही हैं उन्हें हम अपनी तरफ से काफ़ी कुछ सोल्व करने की कोशिश करते हैं और आगे करते रहेंगे। और जो हमारे ग्राम पंचायत को जो थोड़ा जो परेशानी झेलनी पड़ रही है जैसे स्वास्थ्य केंद्र हमारे ग्राम पंचायत में हो तो काफ़ी कुछ अच्छा हो। और एक शमशान है, शमशान जो बाउंड्री या उसका जो क्या कहते हैं जो टीन सेट होता है वो मिल जाए सरकार की तरफ से तो और भी काफ़ी कुछ बदलाव आएगा ग्राम पंचायत में। और हमारा ये चैनल है एबीपीएस जो न्यूज है ये काफ़ी सराहनीय है और हम आशा करते हैं आगे से इसकी ऐसे ही उपलब्धि बनती रहे और जो संगठन है वो काफ़ी मजबूत हो और जो अच्छा इसका प्रोग्रेस हो और अच्छी इसकी ऊँचाइयों तक जाए। मैं अपनी बात को यही ग्राम देता हूँ। मैं ग्राम हरतला से सोम शर्मा, ग्राम हरतला जो असमोली ब्लॉक में है, यहाँ के हमारे ग्राम प्रधान ओमकार सिंह ने बहुत ही सही तरीके से कार्य कराया है और ख़ासकर विशेष तौर पर सफाई और लैट्रिन पर ध्यान दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को लैट्रिन मिल चुकी है और सफाई भी सड़कों पर बहुत अच्छी तरीके से आप आकर देख सकते हैं। गांव में बहुत सुंदर तरीके से गांव को इन्होंने सजाया है और बहुत आभारी हैं अपने ग्राम प्रधान के। ग्राम हरतला की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रधान अध्यापक प्रेमपाल सिंह, प्राथमिक विद्यालय हरतला। ये शौचालय का जो निर्माण किया गया है ये ग्राम प्रधान ओमकार सिंह और ग्राम सचिव रोहतास के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा किया गया और कार्य काफ़ी संतोषजनक किया गया। पहले की अपेक्षा शौचालय काफ़ी साफ़ सुथरा है, इससे बच्चों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी